हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग ट्रेंड चैनल पे। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं राजस्थान नर्सिंग भर्ती एनएचएम 2016 के बारे में। राजस्थान नर्सिंग भर्ती एनएचएम 2016 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होने वाला है, साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन सा फॉर्म भरना होगा ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो, तथा आपको पोस्टिंग कब मिलने वाली है। इन सवालों के जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो एंड तक इस वीडियो में साथ बने रहिए। स्टेप बाय स्टेप हर डिटेल आपको मैं बताने वाला हूं। साथ ही अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, तथा पास में जो घंटी का निशान आ रहा है उसको दबाना भी न भूले, ताकि नर्सिंग ट्रेंड के किसी भी वीडियो को आप मिस नहीं करोगे और हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए साथियों, न्यूज को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर ने एक विज्ञप्ति जारी की है, और ये विज्ञप्ति राजस्थान नर्सिंग भर्ती एनएचएम 2016 के लिए जारी की है। उन्होंने लिखा है कि जीएनएम या नर्स ग्रेड द्वितीय के 3167 पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा देने वाले सभी कैंडिडेट्स की जो सूची थी परसेंटाइल वाइज, वो पूर्व में जारी कर दी है। अब इन कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होने वाला है, साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना होगा, कौन सा फॉर्म भरना होगा, तथा संभावित ज्वाइनिंग डेट क्या है, वो सभी डिटेल है वो अब उन्होंने एक रीशेड्यूल कार्यक्रम जारी किया है। तो सबसे पहला जो पॉइंट नंबर वन दिया है वो दिया है कि अब कैंडिडेट्स की मेरिट वाइज और कैटेगरी वाइज सूची जारी की जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, यानी जिन जिन कैंडिडेट्स को पोस्टिंग दी जानी है उनकी एक मेरिट बनी जाएगी, कैटेगरी वाइज ये मेरिट सूची होगी, और इनकी जो सूची है ये 21 फरवरी 2019 को जारी कर दी जाएगी। उसके बाद में आप किस जिले में नौकरी करने के लिए प्रेफरेंस देना चाहते हैं, पद स्थापन के लिए आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी 34 जिलों के लिए, उसके लिए ऑनलाइन एक वेब लिंक दिया जाएगा। उस वेब लिंक में आपको प्राथमिकता दर्ज करनी है, और ये जो वेब लिंक है ये 21 फरवरी 2019 को ही दिया जाएगा। उसके बाद में पॉइंट थर्ड लिखा है कि किस जिले में कितनी पोस्ट है वो खाली है, इसकी सूचना भी 21 फरवरी 2019 को ही विभागीय वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। उसके बाद जिन जिन कैंडिडेट्स की सूची जारी की जाएगी मेरिट वाइज और कैटेगरी वाइज, उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये 25 फरवरी 2019 से लेकर 2 मार्च 2019 तक किया जाएगा। यानी आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये 2 मार्च 2019 से पहले पहले कर लिया जाएगा। उसके बाद में इन्होंने पॉइंट नंबर 5 लिखा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जो प्राथमिकता फॉर्म भरना है ये ऑनलाइन ही भरना है, ऑफलाइन फॉर्म है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इस ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जो वेब लिंक है, ये जो विभाग की वेबसाइट है www.rajswasthya.nic.in, इस पर 21 फरवरी 2019 से एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ जाकर आपको 21 फरवरी को अपनी प्राथमिकता है वो दर्ज करवा देनी है, ताकि उस हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप इसमें कोई भी प्राथमिकता फॉर्म नहीं भरते हैं तो जो विभाग है एनएचएम विभाग है वो अपने हिसाब से आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट करेगा, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अपने हिसाब से ही वो आपकी पोस्टिंग देने वाला है। तो ये राजस्थान एनएचएम भर्ती 2016 के बारे में एक लेटेस्ट अपडेट थी। आगे जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी जरूर मैं जल्द से जल्द आपको देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अगर अच्छा लग गया तो इसको लाइक कर दें, सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी को सूचना मिले, और साथ ही साथ चैनल को कर लो सब्सक्राइब, तथा पास में जो घंटी का निशान आ रहा है उसको दबाना भी न भूले। थैंक यू फ्रेंड्स।